सिमडेगा जिले के उलगा रेलवे स्टेशन के पास पीएलएफआई उग्रवादियों ने रेलवे दोहरीकरण का कार्य कर रही ठेका कंपनी के दो वाहनों को जलाकर राख कर दिया। बुधवार की देर रात पीएलएफआई उग्रवादी रेलवे स्टेशन के पास पहुंचे और बिहार की कंपनी टिनोटिया की जेसीबी और पानी टैंकर में आग लगा दी। आगजनी की घटना में जेसीबी और पानी टैंकर जलकर पूरी तरह से राख हो गए। इस दौरान उग्रवादियों ने एक पर्चा भी छोड़ा है और बिना बात किए काम कराने पर यही अंजाम होने की बात कही है। घट क्षेत्र में लोगों के बीच दहशत है। पुलिस के द्वारा पीएलएफआई के खिलाफ छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। बिहार की कंपनी टिनोटिया के द्वारा सिमडेगा के उलगा में रेलवे लाइन के दोहरीकरण का कार्य किया जा रहा है। घटना के बाद पीएलएफआई उग्रवादियों ने घटनास्थल पर एक पर्चा भी छोड़ा है। इसमें लिखा गया है कि पीएलएफआई से बिना बात किए हुए काम करने वालों का यही अंजाम होगा। लंबे अंतराल के बाद पीएलएफआई उग्रवादियों के द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। इस घटना से क्षेत्र में लोगों के बीच दहशत है। थाना के निकट ही इस प्रकार की घटना घटित होना भी क्षेत्र के लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इधर घटना के बाद सिमडेगा मुख्यालय से भी भारी संख्या में पुलिस पहुंची और घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस के द्वारा पीएलएफआई के खिलाफ छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।